ओवरवेलमिंग कि हम इस प्रोग्राम में आए हैं जो कि हमने मनाया है राइज इंटरनेशनल स्कूल बदरन में इन कोलैबोरेशन विद तहसील लीगल सर्विस कमेटी मागा। हम यहाँ पे आए हैं बच्चों के हकूकों के बारे में बोलने और बच्चों के बारे में कि हमें बच्चों को कैसे रखना चाहिए, उनके सेक्सुअल हरासमेंट और जो भी कुछ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन है उनके बारे में हम नॉलेज देने आए थे। और वो कानून जो बच्चों के लिए है उसके लिए हम आए थे। उस हवाले से हमने यहाँ पे लोगों को आगाह किया क्योंकि यहाँ पे लोगों की बहुत काफ़ी तादाद मौजूद थी, बच्चे थे, पेरेंट्स थे और एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला हाजरीन भी थे। हम शुक्रगुजार हूँ मैं अपने राइज स्कूल के चेयरमैन साहब मिस्टर जुल्कन अब्दुल रशीद साहब का और हमारे जो सीनियर लॉयर हैं एडवोकेट जुल्कन मैन का कि जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ आने का और उनके साथ ही प्रोग्राम करने का। जैसे कि आप जिस तरीके से बात की, परसों ही हमने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया, वो एजुकेशन डे था, नेशनल एजुकेशन डे था। उस दिन हम बॉयज़ हायर सेकेंडरी में भी कर रहे हैं, हम बीरवा में भी कर रहे हैं, या खाली हम तहसील लेवल पर नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर रहे हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जिसकी जो हमारी सेक्रेटरी है मिस फौजिया पॉल है और हमारे चेयरमैन साहब है, वहाँ से हमारे को जो ये सारी इंफॉर्मेशन और जो डायरेक्शंस होती हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से आती है जो कि दिल्ली में है। और ये लोगों के हम इसलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं ताकि हम लोगों को ये आगाह करें कि वो इन स्कीम्स का, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाए। कानून उनके दरवाजे पे आ रहा है, वो कानून की मदद ले और अपने हक के लिए लड़े। क्या कोशिश रहेगी आपकी? मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे जो हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो कौम है, यूथ है, वो आगे आए, डिफरेंट चीज़ों में आ गया है, कानून में आ गया है, अपने हक के लिए खुद लड़े। अपने हक के लिए जब तक हम खुद नहीं लड़ते हैं तब तक कोई हमारे लिए नहीं उठेगा। तो हमें वो आगे आए, इन प्रोग्राम्स में अपना अपने अपना रोल अदा करें ताकि लोगों के मुफाद के लिए ये चीज़ें ज़रूरी बने और लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाए। उस्ताद, ये लफ्ज़ एक ऐसा गुलदस्ता है जिससे पूरे सारा आसमान मुनव्वर हो, समंदरों की मौजों का ये का गुमा हो, और ये एक ऐसा सबा है जिसकी ठंडक दिल में उतर जाए। मुअल्लिम वो लफ्ज़ है, वो पाबल है जो खुद को अपनी ही जगह पर हुआ 2019 में और तब से कोरोना वायरस की वजह से ये ज़्यादा बंद ही रहा। आज ये पहला साल है और पहला प्रोग्राम ये चिल्ड्रंस डे हमने मनाया है और इस साथ हमने एनुअल डे भी मनाया, पेरेंट को भी बुलाया और मेहमानों को भी बुलाया। क्योंकि ये स्कूल जब हमने यहाँ खोला है ये 100% प्ले वे स्कूल है, इसके लिए मैं तो पहले एजुकेशन में तकरीबन 40 साल मैंने सर्व किए, मैं टीचर से लेके जूनियर एजुकेशन तक ऑफिसर तक बहुत सारे इलाकों में ड्यूटी दी। तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि हमारी जो एजुकेशन है वो 100% एग्जामिनेशन सेंटर्ड है, हम बेसिक्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यही वजह है कि बाहर जाकर हमारे बच्चे कंपटीशन में नहीं उतरते हैं, वो सिर्फ एग्ज़ाम पास करने की तैयार करते हैं। इसलिए मैं गुजरात गया, वहाँ से एक प्ले वे स्कूल देखा, मेरा एक स्टूडेंट खाग इलाके का है, डॉक्टर मोहम्मद जमाल फेवरेट स्टूडेंट, उसी ने मुझे कहा कि उसी ने देखा था वो स्कूल, मैं वहाँ गया, मैंने देखा वो किस तरह पढ़ाते हैं थ्रू प्रैक्टिकल मेथड, थ्रू प्ले वे मेथड, और उसी लिए मैंने सुना। बदकस्मती ये थी जो ही मैंने खोला तो उसके साथ ये बंद हुआ। बस ये पहला साल है, ये पहली फंक्शन थी, पहली दफ़ा हमने कोई प्रोग्राम बनाया था, क्यों ये साल पहला ही है इस स्कूल का। इंशाल्लाह मैंने ये इसलिए शुरू किया है पेरेंटों की गुजारिश है कि ये इस इलाके में नहीं कश्मीर में बहुत उम्दा स्कूल होगा जो डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल टीचिंग होगा, और यहाँ हमेशा
जितने भी बच्चे आएंगे वो बेसिक सीखेंगे और वो कोई गोटा वोटा नहीं करेंगे।